दरअसल आपको बता दें, पिछले साल के राजनीतिक टकराव की पुनरावृत्ति में शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों ने एक बार फिर 24 अक्टूबर को मुंबई में शिवाजी पार्क में पार्टी की दशहरा रैली निकालने की अनुमति के लिए आवेदन किया है। दादर में कार्यक्रम स्थल पर दशहरा रैली आयोजित करना एक परंपरा रही है। 1966 में अपनी स्थापना के बाद से शिवसेना द्वारा इसका अनुसरण किया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दो गुटों द्वारा आवेदन बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के नॉर्थ वार्ड कार्यालय में दायर किए गए थे और इसको कानूनी विभाग को भेज दिए गए हैं। शिंदे गुट के लिए आवेदन माहिम के पार्टी विधायक सुदास सरवारकर द्वारा दायर किया गया था, जबकि उद्धव गुट के लिए आवेदन इसके स्थानीय जोनल प्रमुख महेश सामंत द्वारा किया गया था। पिछले साल दोनों गुट आमने सामने थे, क्योंकि पार्टी के दो हिस्सों में टूटने के बाद पहली बार दशहरा रैली होनी थी। उद्धव खेमे ने शिवाजी पार्क में सेना की वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। कुछ दिनों बाद शिंदे गुट ने भी उसी स्थल की अनुमति के लिए आवेदन किया। बीएमसी ने दोनों गुटों की अनुमति खारिज कर दी थी। आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने नगर निकाय के आदेश को रद्द किया था और उद्धव गुट को 5 अक्टूबर 2022 को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति दी थी। शिंदे सेना ने बांद्रा कुर्ला कैंप्लेक्स के एमएमआरडीए मैदान में दशहरा रैली आयोजित की। वहीं आपको बता दें, उद्धव सेना के महेश सामंत ने कहा कि यह आयोजन हमारी परंपरा है। पिछले साल बीएमसी का उत्पीड़न काम नहीं आया और हमें उच्च न्यायालय जाना पड़ा, और पिछले साल दशहरा रैली अच्छी तरह से आयोजित की गई। हमने पहले ही आवेदन कर दिया था, हमने पिछले वर्ष की अनुमति भी संलग्न कर दी है। हमने अपने आवेदन की स्थिति के बारे में पूछने के लिए सहायक नगर आयुक्त प्रशांत शकपाले से मुलाकात की और उन्होंने मुझे बताया कि फाइल कानूनी विभाग को भेज दी गई है। वहीं आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करना दोनों गुटों के लिए प्रतिष्ठा का विषय होगा, क्योंकि वे पार्टी की विरासत पर लड़ते हैं। शिंदे के लिए चुनाव आयोग द्वारा उनके गुट को शिवसेना नाम और धनुष और तीन का पार्टी चिन्ह आवंटित करने के बाद यह उनकी बाध्यता के दावे को मजबूत करेगा। उद्धव ठाकरे को मशाल चुनाव चिन्ह मिला और उनकी पार्टी के गुट का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रखा गया।